सा भार्याया सुचिर दक्षा। सुन लो, जो बच्चे ऐसे मुझे सुन पा रहे हों जो विवाह के लायक हो रहे हैं, हाँ उनके लिए भी यह सूत्र काम आएंगे। जो ऐसी माताएं पिता लोग सुन पा रहे हैं जिनके बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं और वह अपने बेटे के लिए बहू देख रहे हैं, या जिनकी बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं और वह अपनी बेटे के लिए वर खोज रहे हैं, चाणक्य ने, आचार्य कौटिल्य ने दोनों की गुणवत्ता का वर्णन किया है। क्या कहा? सा भार्या या सुचिर दक्षा, सा भार्या या पति व्रता, सा भार्या पति प्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। ऐसी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है जो पवित्र है, हर कार्य पवित्रता के साथ करती है। एक बार के लिए दहेज ना मिले कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन दूसरे की बेटी पूजा पाठ में, गृह कार्य में सक्षम है, कुशल है, आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि उसको अपनी घर की बहू बना करके ले आना। जो बेटी घर के कार्यों में होशियार है, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम है, ऐसी वह पुत्र वधू अपने बच्चों को कभी भूखी नहीं रहने देगी। पति को चाहिए कि ऐसी पत्नी का वह सम्मान करे। जो बेटियां बहू बनकर किसी के घर में जा रही हैं, चाणक्य ने उनमें 9 चीजों को देखने की कोशिश की। उसके अंदर 9 बातें होनी चाहिए। जो मेरी बहनें ससुराल में गई हैं, आपके पास 9 बातें ना हों तो इन 9 बातों को स्वीकार कर ले। अब आप कहोगी ये सब बातें हमारे ही लिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए 9 बता रहा हूं, मर्दों के लिए 10 बताऊंगा, अभी ज्यादा ही बताऊंगा। 9 बातें कौन कौन सी हैं? घर की बात बाहर न बताए, कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, गरीबी हो, दरिद्रता हो, कर्जा हो, औरों को तो छोड़िए, जन्म देने वाली अपनी मां को भी न बताए। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। ऐसा तो भगवान कपिल ने भी भागवत जी में मां के सामने नारी गुण में वर्णन किया है। पहली बात बताइए, घर की बात बाहर न बताए। दूसरी बात है, उसके अंदर वफादारी हो, परिवार के लिए मर और मिटने का सामर्थ्य रखती हो, यह दूसरा गुण है उसके पास। तीसरी बात है, पति के ऊपर कष्ट आए तो सब तरह से उसके लिए वह समर्पित हो। देखा है वो देवी भागवत महाराज हरिश्चंद्र की कथा आती है, माता तारा अपने पुत्र को लेकर काशी के बाजारों में विक्रय कर दिया। सर्वाभावे इन पति का सुख और दुख उसका अपना सुख दुख है, उसका मान और अपमान उसका अपना मान अपमान है। तीसरी बात बताई आचार्य ने, दूसरी बात, तीसरी बात बताई कि स्वभाव घरेलू हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, परिवार में सेट। घरेलू का मतलब है वो ये लगे ही नहीं कि दूसरे घर से आई है, ससुराल के लोगों में जाकर के घुल मिल जाए, घरेलू स्वभाव। कभी उसके अंदर से ऐसी भाषा ना बोले कि मेरे पापा के पास 10 लाख की गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या टूटी फिटफिट? पहले मोटरसाइकिल को फिटफिट बोलते थे। अपने आप को उसी घर की बना ले, स्वभाव घरेलू हो। अगला सूत्र दिया जा रहा है, गृह कार्य में दक्ष हो, होशियार हो, कुशलता हो, नई नई चीजें। देखा है आपने, पहले माता इतना बढ़िया स्वेटर बुनती थी, अब तो सब भूल भाल गई, कथा भी सुनती रहती थी, स्वेटर भी बुनती रहती थी, पानी का घड़ा भी सिर के ऊपर रखा रहता था, सलाई भी चलती थी रहती, हाँ? बहुत होशियार,
दरियां अपने हाथ से बना देती, और पता नहीं क्या का टोकरी बना दे, मटका बना दे, कागजों का मटका बना दे। चूल्हा तो इतना सुंदर बनाती थी कि पंडित लोग आकर के पूजा करते थे उसकी। एक और चीज बनती थी बरोसी, हाँ ये सब बना लेती थी। लेकिन अब ये वर्तमान की बहुएं तो सब भूल गई, भूल के आ गई, उनको बताया ही नहीं कुछ। एक बार लौट के वहीं आना पड़ेगा। पुरानी संस्कृति, गृह कार्य में दक्ष हो, रसोई के काम में दक्ष हो। अगला सूत्र बताते हैं कि वो हसमुख हो, मुंह लटका हुआ ना हो, नहीं तो प्राय मुंह लटके ही रहते, चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं आती। गूगल की धूप दो तब थोड़ा मुस्कुराए, हाँ धूप दो मुंह पर, हसमुख हो, चेहरा मुस्कुराता हुआ, पराई ना लगे अपनी लगे। मैं टोटली बात महात्मा चाणक्य की बोल रहा हूं, बहुत अनुभवी है कौटिल्य, इसका ज्ञान बंधन करने के लायक। मैं तो कहता हूं कि गृहस्थ को, हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि वो चाणक्य को पढ़े।